हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी कॉमिक वर्ल्ड में। आज हम लेकर आए हैं एपिसोड 6। हमेशा की तरह पिछले एपिसोड्स और सीरीज के लिए आई कार्ड्स चेक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने सजेशंस और ओपिनियंस हमें कमेंट करें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले हम देखते हैं मेलकम एस्ट्रॉयड में एंटर करते हुए कह रहा था, हम यहाँ मुसीबत के बीच में है और ये वक्त सही है बताने का कि हमारा फ्यूचर मुसीबत में है। उस पर फोर्स उसे बाहर निकलने को कहता है। तब मेलकम बताता है, जैसा कि तुम जानते हो, अगर हम एक साथ नहीं लड़े तो हम में से कोई नहीं बचेगा। तब टचारा कहता है, ये सही कह रहा है, हमें सबकी ज़रूरत है। तब मेलकम बताता है, सभी नहीं, कुछ तुम्हारे जैसों के साथ काम नहीं करना चाहते। तब फोर्स बताता है, उन्होंने हमें बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाली और वो हम पर हमला भी नहीं कर रहे। हमें यह काम इनके बिना नहीं करना चाहिए। थोड़ी देर बाद रेनॉल्ड्स जेनेट की रोबोटिक बॉडी का हाथ ठीक कर रहा था। तब रेनॉल्ड्स बात करते करते जो हरकत करता है वो तो आप लोग देख ही सकते हैं। उन दोनों की यह हरकत देख कर लुक और फोर्स चौंक जाते हैं। लुक फोर्स से कहता है, मुझे इससे बाहर निकालो, मुझे पैरों की जरूरत नहीं है, तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो। तब फोर्स उसे एक बॉडी देता है जो उसके लिए परफेक्ट थी और वो उसे आसानी से ऑपरेट कर पा रहा था। तब लुक पूछता है, क्या तुम लोग यही रहते हो? तब फोर्स बताता है, नहीं, पहले हम ऑर्बिट में थे और सुरक्षित लगने पर यहाँ चले आए। तब लुक कहता है, तुम जी तो रहे हो, मुझे भी जीना है, मुझे भी खाना है, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं मिस करता हूँ। तब हैंड्रिक कशामा को लेकर आती है जहाँ टचाला उसे अपने पास आने को कहता है। तब कशामा पूछता है, क्या आप मर चुके हैं? तब टचाला कहता है, क्या मैं मरा हुआ लगता हूँ? तब कशामा कह रहा था, लेकिन आप दिख तो वैसे ही रहे हैं और लोग कहते हैं हम सब मर चुके हैं। तब टचाला कहता है, मैंने तुमसे कहा था, सिर्फ देखकर किसी को जज मत करो, मैं अभी भी तुम्हारा ग्रैंडफादर ही हूँ। टचाला पूछता है, तुम दोनों को तुम्हारे ग्रुप के बारे में कुछ पता है? वो यहाँ क्यों आए हैं? तब स्पाइडी और लुक बताते हैं, वो और खाने की तलाश में यहाँ आए हैं। तब फोर्स पूछता है, वो यहाँ क्यों आए जबकि उनके लिए ज़्यादा खाना नहीं है यहाँ पर? तब स्पाइडी बताता है, वो उस डिवाइस के पीछे है जो फैंटास्टिक फोर ने दूसरे डायमेंशन में ट्रैवल करने के लिए बनाया था। और तुम हंस क्यों रहे हो? तब फोर्स बताता है, आओ मेरे पीछे, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। हम देखते हैं बैक्स्टर बिल्डिंग में। जायंट मैन कहता है, हमने इस बिल्डिंग का कोना कोना छान मारा, एक एक इंच चेक कर लिया और हमें कुछ नहीं मिला। वो मशीन ऐसे ही गायब नहीं हो सकती। आयरन मैन तब उसे बताता है, ज़रा सोचो, इस बिल्डिंग का डिफेंस एक्टिव है और रेड वापस आकर यह एक्टिव करने से रहा तो ये फोर्स ने किया होगा। वो इसलिए जाना जाता है, वो सब कुछ एक्सेस भी कर सकता है। तब जेंटमैन आगे कहता है, और उसी ने वो पोर्टल भी लिया होगा, तो चलो वापस। तब स्पाइडी वो पोर्टल देखते हुए कहता है, तो तुम इसे यहाँ ले आए? तब फोर्स कहता है, तुम लोगों से दूर रखने के लिए मैं इसे यहाँ ले आया था और उसी वक्त मैंने इस जिंदा नर्क से बाहर निकलने की कोशिश भी की, लेकिन मैं नाकामयाब रहा। इसमें कोई खराबी तो नहीं है, फिर भी ये काम नहीं कर रहा। तब स्पाइडी बताता है, तुम समझ नहीं रहे, वो इसके लिए यहाँ आएंगे और वो फोर्स फील्ड से गुजरने का रास्ता भी ढूंढ लेंगे, तब तुम्हें उनसे लड़ना ही होगा। तब टचाला कहता है, हम ऐसे बिना स्ट्रेंथ थोड़े लोगों के साथ नहीं लड़ सकते। तब रेनॉल्ड्स कहता है, मैं इस बारे में कुछ मदद कर सकता हूँ। रेनॉल्ड्स बताता है कि हमें अपने मुहिम के दौरान ब्रेन का टुकड़ा मिला था, मैंने इसे स्टडी किया, ये देखकर मैं शॉक्ड हो गया कि ये काम कर रहा है। सब्जेक्ट एक बहुत अच्छा फाइटर है पर बाकी ब्रेन्स के फंक्शंस काम नहीं कर रहे। वो आगे बताता है, टचाला, ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। तब टचाला उससे पूछता है कि क्यों? तो रेनॉल्ड्स कहता है, तुम खुद ही देख लो। देखते हैं कर्नल अमेरिका को जो कह रहा था, मैं कहा हूँ, क्या जंग खत्म हो गई और हम किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? तब टचाला उसे देख कर कहता है, पर यह कैसे हो सकता है, ये तो टचाना है। तब रेनॉल्ड्स टचाला से माफ़ी मांगता है उसके मरे हुए बेटे की बॉडी इस काम में इस्तेमाल करने के लिए। तब हमें पता चलता है कि कर्नल अमेरिका के भेस में उसका मरा हुआ बेटा टचाना था।